गाइस मैं यहाँ आ गई हूँ बच्चों को लेने, और बच्चों को छुट्टी होने वाली है। आधे घंटे का गैप पड़ता है, धरा को हो जाती है पहले, उसके बाद अर्पित को होती है। धरा की हो गई है, अब अर्पित की छुट्टी होने वाली है, तो बस वेट करूँगी उनका। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 8th नवरात्रा, और आपको बहुत बहुत मुबारक। और व्लॉग्स माता इधर ही तो बच्चे सोच रहे हैं मैं माता जी का विसर्जन कर रही, लेकिन ऐसा नहीं है। कल पहले मैंने सोचा था आज दूंगी कंजके, लेकिन हमारे यहाँ पे कम लोगों ने कंजके दिया, सब कल देंगे, तो कल ही लोगों के साथ ही चलना चाहिए। तो आज नहीं, कल दूंगी, और जल्दी उठना पड़ेगा मुझे कल, क्योंकि मुझे कल बहुत सारे काम है और मैंने जाना कहीं। पहले जाने की सलाह बनाई थी, आपको बताया भी था, लेकिन वहाँ पर जा नहीं सकी, तो कोशिश है अब कल जाने की। देखती हूँ कल जा पाती हूँ या नहीं। तो कल उठ के जल्दी जल्दी से माता जी का विसर्जन करना है, और कंजके दूंगी, और कंजके दे के धरा लाया तो कुछ नहीं। मैंने पता क्या सोचा था, मैंने सोचा था माला वाला ले आऊँगी बच्चों के लिए, तो इसके पापा बोल रहे कुछ खाने के लिए, खाने के लिए दे दो। बच्चे जो है ना वो चने और कड़ाह वगैरह नहीं खाते, मतलब हलवा नहीं खाते। अर्पित कह रहा मैं खाता हूँ, मैं क्या करूँगी, चने और हलवा घर बना लूँगी जो भोग माता को लगाना है, और बाकी जो खाने का सामान है बच्चों को ऐसे ही दे दूँगी कंजके हैं जैसे, क्योंकि बच्चे जो है चिप्स वगैरह बिस्किट वगैरह खा लेते हैं, और चने और ये पूड़ियाँ हलवा जो है वो दुनिया देती है, तो वो बच्चे क्या करते नहीं खाते, जो खा ले बच्चे वही अच्छा है। तो बस कल अभी आज का यही टॉपिक मैंने शुरू किया है। आज जाना पड़ता है, मैं स्कूटी को ना थोड़ा सा टाइम दूँगी, क्योंकि 2-3 साल से मैंने स्कूटी बिल्कुल नहीं चलाई। अभी मुझे लग रहा था आज मैं धूप में जा रही थी, क्योंकि एक दिन पहले भी गई थी, तो 5 मिनट लगते हैं स्कूटी पे आने जाने के, तो ऐसे मुझे आधा घंटा पौना घंटा चाहिए। तो आज करूँगी स्कूटी की प्रैक्टिस, भूली तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी 2-3 साल बाद चला रही हूँ। क्योंकि पहले मैं क्या करती थी, बच्चों को बिठा लेती थी, धरा आगे बैठती थी, अर्पित पीछे बैठता था, बैग भी होते थे इनके साथ, और मैं फुल ऐसे चलाती थी जैसे पता नहीं, मुझे कोई डर खतरा ही नहीं था। लेकिन अब पता क्या, 2-3 साल के काव्या होने के पहले मैंने स्कूटी चलाई हुई है, तो उसके बाद चला रही हूँ। थोड़ा सा झिझक रहती है, थोड़ा सा डर रहता है, तो फिर थोड़ा देखती हूँ, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी काके, इन दोनों को बिठा के प्रैक्टिस करूँगी मैं शाम को, क्योंकि सड़क है ना, तो गाड़ियाँ वाड़ियाँ बहुत चलती हैं। काके कैसे बोलते मम्मी, मेरी मम्मी ने बचपन का पैसा क्या नहीं भूल जाना, पैसे भूल नहीं जाना। बेटे मेरे बेटू रे, बचपन के डायपर तू भूल नहीं जाना था, जितने तेरे पैसे थे सबके डायपर आ गए थे, और कहाँ से लाऊं मैं, तू और कहाँ से लाऊं। पैसे जितने पैसे थे तूने तो उससे भी ज्यादा डायपर डाल ली है। जितने पैसे थे उसके डायपर आ गए तेरे सारे, हैं बाकी हैं अभी भी पैसे मांगने, तूने अभी भी पैसे मांगने हैं, मांगने पैसे मेरे से। कैसे हैं आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस मैं अभी बनाने जा रही हूँ हलवा और चने, तो अभी टाइम है 5:45 का सुबह के, और अर्पित के पापा भी उठ गए हैं, बच्चे सोए हुए हैं, अभी पहले मैं अपना काम खत्म कर लेती हूँ। गाइस यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ कंजकों की, और यहाँ पे मैं सूजी है जो वो देख रही हूँ, कहीं कुछ कंकर वगैरह ना हो। तो बस गाइस सूजी साफ़ कर रही हूँ, अभी बनाऊँगी हलवा। एक तरफ मैंने चने भिगो के रख दिए थे, बॉयल आ गया था उनमें, और बस यहाँ पे रख दिए कढ़ाई। अभी देसी घी जो मैंने ला के रखा हुआ है वो डालूंगी, तो देसी घी में ही हलवा बनाऊंगी, और देसी घी में ही चने बनाऊंगी, पूड़ी उसके बाद बनाऊंगी गरम गरम। तो बस अभी पहले ये डाल दी मैंने सूजी, ऐड कर दी, और इसी को पहले अच्छी तरह से बना के उसके बाद चने बनाना शुरू करूँगी।
तो बस गाइज मैंने डाल दिया पानी, सूजी हो गई थी अच्छी तरह से मेरी, मैंने पानी ऐड कर दिया और चीनी डाली अपने टेस्ट के अनुसार। तो बस गाइज अब इसको बना के उसके बाद बनाती हूँ चने। हलवा और चने हो गए मेरे रेडी। बस अब मैं करूँगी आटा, थोड़ा सा गूंद लूँगी पूड़ियों के लिए। तो भोग मैं जो है वो थोड़ी देर के बाद लगाऊँगी, थोड़ा छोटा सा पहले मैं हवन कर लूँगी उसके बाद भोग लगाऊँगी जो जला के। नौ बचा तो गाइस बस यहाँ पे बज गए 6 और मेरा काम हो गया ख़त्म, लगभग ख़त्म हो गया। तो बस अभी करवा रही हूँ आपको माँ के दर्शन। ये देखिए मेरी माँ ने मुझे अच्छे दर्शन दिए और हर बार अच्छे ही देती हैं, ऐसी बात नहीं है। तो अभी मैं जगा रही हूँ जोत, हवन मैंने कर लिया था, पूजा कर रही हूँ और फ़ोन की सेटिंग करने की कोशिश कर रही हूँ, हो नहीं पा रही अच्छी तरह से। और ये हमारे गुरु महाराज जी, मैंने जोत जला दी है उनकी, और मैं और कावे के पापा कर रहे हैं पूजा। बच्चे अभी सोए हुए थे क्योंकि 6 बजे थे, तो 6 बजे तक बच्चे कहाँ उठेंगे। मैंने पूरी तैयारी कर ली थी और क्योंकि मुझे पूरा दिन जो है वो मेरा वैसे भी बिजी रहने वाला था, तो मैंने सुबह से ही काम शुरू कर दिया था। तो बस यहाँ पे आरती ले रही हूँ। तो यहाँ पे बन गए मेरे चने और अब कर रही हूँ पूड़ी बनाने की तैयारी। तो ये बन रही है मेरी पूड़ी, और पूड़ी हलवा और सब कुछ हो गया तैयार। अब मैं लगाऊँगी भोग, और गाइस ये होगी मेरी भोग की थाली तैयार, बिल्कुल रेडी, और ये जाएगा माता जी के चरणों में, भोग लगाऊँगी। और बस गाइज़ मैंने आपको बोला था कि मैं बच्चों के लिए हलवा पूड़ी तो काफ़ी बनाया था, बट बच्चे आजकल खाते नहीं हैं, तो इनको खाने वाला सामान ही दूंगी। बच्चे खुश होकर खा लेंगे और साथ में दूंगी पैसे और साथ में ये सामान जो उनके पास जाएगा, तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं इनको खा के। अपना बैलून बताना सबको, पहले बैलून बताओ आपको। ये देखो काव्या का बैलून। काव्या गुड मॉर्निंग बोलना, गुड मॉर्निंग मैम नहीं होता, बोलो गुड मॉर्निंग गाइस, बोला बोलो, नहीं बोला, चल ना मेरे साथ, हाँ चलो फिर चलते।
किचन में पड़ा है वो ले आ जा। तो गाइस हम आ गए माता जी का विसर्जन करके, तो बस